व्यूज़ अब हम फ्रंट पार्ट के सेंटर को सेट करेंगे और गले की कटिंग करेंगे। तो गले की लंबाई हम 2 इंच तक लेंगे और गले की चौड़ाई हम 2.5 इंच तक लेंगे और इस तरह से गोल शेप देंगे। व्यूज़ अब हम फ्रंट पार्ट को इस तरह से खोलेंगे और प्लेकेट के लिए यहाँ पे सेंटर में कट लगाएंगे। तो प्लेकेट के लिए हम कट तकरीबन 12 इंच तक लगाएंगे। तो अब हम सेंटर से यहाँ से 1/4 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पे इस साइड में यहाँ पे कट लगाएंगे। व्यूज हमने कट लगा लिया है, अब हम प्लेकेट की तैयारी करेंगे। व्यूज अब हम डिज़ाइनर प्लेकेट बनाएंगे, तो उसके लिए हमने कपड़े के पीस पे 1/2 इंच के मार्जिन से हमने डायगोनल लाइनें लगाई हैं। व्यूअर्स आप ये लाइनें किसी भी एंगल से लगा सकते हैं। अब हम इन लाइनों पे एंकर स्टिचेस लगाएंगे। व्यूअर्स एंकर स्टिचेस की वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं। धागे को 4-5 दफ़ा फोल्ड करने के बाद आप बॉबिन में फिल करके एंकर स्टिचेस लगा सकते हैं। तो अब हम इन लाइनों पे एंकर स्टिचेस लगाएंगे। व्यूज़ हमने प्लेकेट की फ्रंट साइड पे एंकर स्टिचेस लगा लिए हैं। अब हम ब्लैक कपड़े में डोरी को इस तरह से सेट करने के बाद यहाँ पे 1/2 फुट से सिलाई लगाएंगे और डोरी पाइपिंग बनाएंगे। व्यूज़ अब हम इस कपड़े पे इस ब्लैकेट को चिपकाएंगे और इस तरह से डबल करने के बाद यहाँ पे इसके कॉर्नर्स को कट करेंगे। व्यूज़ अब हम पाइपिंग को इस डबल कपड़े के अंदर इस तरह से सेट करने के बाद यहाँ पे ऊपर किनारे पे सिलाई लगाएंगे।
व्यूज़ हमने पाइपिंग को ब्लैकेट के एक साइड में हमने सेट किया है। अब हम यहाँ से ब्लैकेट के किनारों को इस तरह से टर्न करेंगे और कमीज़ के साथ अटैच करेंगे। व्यूज़ हमने छोटी और बड़ी ब्लैकेट दोनों को रेडी कर लिया है। व्यूज़ आज हम आपको ब्लैकेट लगाने का एक दूसरा तरीका समझाएंगे। पहली वीडियोस में हमने जो ब्लैकेट अटैच की इसमें हमने इस तरह से सिलाई लगाने के बाद ब्लैकेट को ऊपर की तरफ टर्न किया। अब हम इस तरह से अंदर की तरफ सिलाई लगाने के बाद कपड़े को अंदर की तरफ इस तरह से टर्न करेंगे। तो सबसे पहले हमने जिस साइड पर हमने मार्जिन छोड़ा था इस साइड पर हम छोटी ब्लैकेट को अटैच करेंगे। व्यूज़ अब हम यहाँ डबल सिलाई लगाएंगे। व्यूज़ हमने छोटी ब्लैकेट को अटैच कर लिया है। अब हम बड़ी ब्लैकेट को भी इस तरह से अटैच करेंगे और फिर इसको अंदर की तरफ इस तरह से टर्न करेंगे।
व्यूज़ अब हम यहाँ पे प्लेकेट को सेट करेंगे। व्यूअर्स, हमने प्लेकेट को मुकम्मल कर लिया है। अब हम इसी तरह से स्लीव्स और कफ पर भी डिज़ाइन बनाएंगे। व्यूअर्स, जैसे हमने फ्रंट प्लेकेट को रेडी किया था, इसी तरह से हमने स्लीव्स प्लेकेट को भी रेडी कर लिया है। अब हम स्लीव्स के लिए कफ को रेडी करेंगे। तो उसके लिए हमने जो पीस लिया है, इसको हम यहाँ से 2 इंच के फासले पर यहाँ से कट कर देंगे और इसके अंदर यहाँ पर इस ब्लैक पट्टी को अटैच करेंगे। व्यूअर्स, अब हम कफ के लिए डोरी पाइपिंग बनाएंगे। तो इस तरह से डोरी को कपड़े के अंदर सेट करते हुए हम यहाँ पे किनारे पे सिलाई लगाएंगे। व्यूज़, हमने ब्लैक पट्टी को सेंटर में सेट करते हुए कफ पट्टी को चिपका लिया है। अब हम यहाँ किनारे पे फ्रंट साइड में पाइपिंग को अटैच करेंगे। व्यूअर्स, अब हम कफ के अंदर सिलाई लगाएंगे।
व्यूअर्स अब हम कफ को प्रेस करेंगे और स्लीव्स के साथ अटैच करेंगे। व्यूअर्स अब हम कफ को स्लीव के साथ अटैच करेंगे। व्यूअर्स अब हम पाइपिंग वाली साइड को इस तरह से सीधी साइड में ऊपर की तरफ टर्न करते हुए यहाँ ऊपर सिलाई लगाएंगे। व्यूज़ हमने दोनों स्लीव्स के कफ को रेडी कर लिया है। अब हम घेरे को राउंड शेप में हेम करेंगे।